Now, obviously, for the demonstration's sake, we are talking about an entire spectrum of things which went wrong. But imagine yourself communicating quite nicely, but doing one insensitive communication in that whole part. I think that would still put you onto a complete problem or a back foot in the whole process of communication. Even if we take brain death and organ transplantation out of the scenario, still a sensitive, empathic communication is what is required. So let's see if they have now taken some part from what we understand would be a good communication. Have they taken our inputs to add into their skit? Let's go and see how they communicate now. The scenario remains the same. However, now we are going to have two more people join them, and we are going to imagine that they are going to be sitting in the room. One of them is going to be a nurse, the other is going to be an organ donor coordinator or a social worker, and of course, Bindu and Dr. Vaithi continue. Mr. Ram ke relative kaun hai? मैं हूँ मिस्टर राम के रिलेटिव। आप मिस्टर राम के रिलेटिव हैं? यस, मैं उनकी बेटी हूँ। आपका नाम? बिंदु। बिंदु, मैं डॉक्टर वाइथी हूँ। मैं यहाँ पे आईसीयू का डायरेक्टर हूँ। आपके डैडी के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। सब कुछ ठीक है ना? We'll talk about it. कोई है आपके साथ में? कोई आप नहीं हूँ, मैं और मेरे पापा, बस हम दोनों ही है। You like to call someone? कोई नहीं है जिसे मैं बुला सकती हूँ। ठीक, सब ठीक है ना डॉक्टर? वी विल टॉक अबाउट इट। हमारा एक मीटिंग रूम है, वहाँ पे हम लोग बात करते हैं। आइए मेरे साथ। हेलो बिंदु, सो मेरे साथ मेरे दो कलीग्स भी हैं। ये वर्षा हमारी नर्स इंचार्ज है और कपिल हमारे सोशल वर्कर है हमारी मीटिंग के लिए। सो आपको क्या जानकारी है अभी तक? व्हाट डू यू नो सो फार? पापा को छोटा सा ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है, उनको वेंटिलेटर पे डाला है एंड उनका तबीयत स्टेबल है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त देना चाहिए, ठीक हो जाएगा। सो मैं थोड़ा सा इसको एक्सपांड करता हूँ। आपके डैडी हमारे पास दो दिन पहले एडमिट हुए। सो ही केम इन एन अनकॉन्शियस स्टेट, बेहोश हाल में आए और उनको हमको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा उस समय। और तभी हमने देखा कि स्कैन में काफ़ी बड़ा ब्लीड था, काफ़ी बड़ा ब्लीड था। अभी कल मॉर्निंग से हमने उनका सेडेशन, जो नींद की दवाई है, वो बंद की है एंड अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि उनके ब्रेन से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमको। कल रात से हमने ऑब्जर्व किया है कि ब्रेन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा हूँ, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता है क्या? कुछ कर नहीं सकते आप? ठीक नहीं कर सकते पापा को? आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल हो आपका। थोड़ा पानी पी लीजिए, ठीक करो ना डॉक्टर साहब, उनको प्लीज ठीक करो। बिंदु, जो फैक्ट है वो बोलना ज़रूरी है, और फैक्ट ये है कि ब्रेन में बड़ा ब्लीड है और आपके डैडी के रिस्पॉन्सेज हमको नहीं दिख रहे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ब्रेन डेथ सिचुएशन। ब्रेन डेथ, ये क्या होता है? बहुत बड़ा इंजरी जब ब्रेन में होता है, प्रेशर बढ़ने के वजह से ब्रेन के जो फंक्शंस है, जो वाइटल फंक्शन है, वो बंद हो जाते हैं। ऐसा होता है तो हम उसको ब्रेन डेड बोलते हैं एंड इट इज अनफॉर्चुनेटली इरिवर्सिबल सिचुएशन, इससे बाहर आना नामुमकिन है। अब ये क्या करेंगे? जी आई अंडरस्टैंड, ये काफ़ी बड़ा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये रहेगा कि ये इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस करके एक्सेप्ट कीजिए, इट मे टेक सम टाइम। बोलिए सर, बोलिए। और ये सिचुएशन में आपके डैडी के बाकी जो फंक्शंस है वो अच्छे हैं, तो कुछ अगर इस सिनारियो से कुछ अच्छा आना है तो आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोच सकते हैं। सो कपिल जो है हमारे सोशल वर्कर है, ही कैन गाइड यू इनटू द फ्यूचर प्रोसेसेस
ऑर्गन डोनेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बताएंगे, और आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, कोई भी क्वेश्चन रहेगा यू कैन कम एंड आस्क अस एनी टाइम। थैंक यू डॉक्टर।